रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश इसको। नहीं नहीं आप कर सकते। और स्टूडेंट आर स्टिल आस्किंग कि सर दे आर नॉट एबल टू सी राइट थिंग, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव textbook.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल में एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहां पर आज हम फिर से करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन। तो हाँ जी, सबको यहाँ पर गुड इवनिंग। वर्षा, एम, अयंतिका, सबको भाई भर भर के गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से आई गेस यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे थे, या फिर मैं भी नहीं देख पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब सब चीज सारी सही हो गई है। तो हम बढ़ते हैं अपने यहाँ पर कहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि अपना मोटो है, लोड एम शूट ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर दैट देयर इज अ मोटो विच यू हैव टू क्रैक। और यहाँ पर अभी हम लोड वाले एरिया पे है, एम भैया CHSL CGL दोनों है, CGL चल रहा है अभी आपका। ठीक है, शूट करिए, जिनके एग्जाम है, जितने क्वेश्चन आते हैं आपको तैयारी पूरी करके जानी है। ठीक है, और यहां पर आपके लिए लेकर आया टेक्स्ट बुक हैप्पी आर सेल, जहां पर आपको 399 में मिल रहा है 12 महीने का पास। कितने महीने का दोस्तों? 12 महीने का, जहां पर आप 470 से भी ज्यादा एग्जाम और 34,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट कवर कर सकते हैं। तो मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बाय करते वक्त आप कोड यूज कर सकते हो, जो कि मेरा कोड है GAMPASS। इस कोड को यूज करते ही आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जलालुद्दीन वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। किस मुगल शासक का नाम जलालुद्दीन था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। जैसा कि पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में अभी एसएससी सीजीएल के एक पेपर में ये आया था कि भैया बाबर का नाम क्या था। उसी तरीके से उसी बेस पर ये क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन वॉज द नेम ऑफ विच किंग। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है अकबर जो है 1500 कब बना था दोस्तों, जल्दी से बताइए किंग, 1500 कब बना था? ठीक है, 13 साल की उम्र में बना था। कितने? 13 साल की उम्र में। किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में। ठीक है, इन्होंने भैया इबादत खाना खोला। क्या खोला दोस्तों? इबादत खाना। क्यों? रिलीजियस डिस्कशन करना था भैया, रिलीजियस डिस्कशन। लेकिन बाद में डिबेट होने लगी तो उसको बंद कर दिया गया। इन्होंने भैया खोला दिन ए इलाही। क्या दोस्तों? दिन ए इलाही, दिन ए इलाही। भैया ये किसने सबसे पहले ज्वाइन किया? इनके प्रिय मित्र बीरबल। कौन दोस्तों? बीरबल। उनका भैया असली नाम महेश दास। कौन दोस्तों? महेश दास। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे भाई 1556 लिख दिया, तो 1556 में उन्होंने युद्ध की थी भैया। कौन सी, कौन सी, जल्दी से बताइए। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। 1526 और 1761। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 7 नवंबर 2021। दोस्तों जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको 2021 के भी देखने को मिल रहे हैं, इवन 2020 के भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम आपके लिए दोनों मिक्स लाए हैं। मार्क द 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हूम। 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, अमर्त्य सेन या श्रीनिवास रामानुजन? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। यहां पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ जा रहे, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नहीं भाई, यहाँ पे कोई कह रहा है सर यहाँ पे सीवी रमन होना चाहिए, कोई कह रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ। भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तुक्का नहीं मारना है।
यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सीवी रमन। क्या होगा दोस्तों, सीवी रमन करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है सीवी रमन यहाँ पे 7 नवंबर 19 ठीक है, यहाँ पर 133वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, और इनको भैया कब नोबल पुरस्कार भी मिला है, नोबल पुरस्कार इनको फिजिक्स में मिला था। कब मिला था दोस्तों, 1930 में मिला था। कब मिला था, 1930 में ही गॉट द नोबल पुरस्कार, और इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। क्या दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ये याद रखेंगे। और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके हमने क्या मनाना स्टार्ट किया, साइंस डे। और साइंस डे कब मनाते हम लोग, 28 फरवरी को, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द पुष्यभूति डायनेस्टी इज अनदर नेम ऑफ द डैश डायनेस्टी। पुष्यभूति वंश डैश वंश का दूसरा नाम है गुज्जर, प्रतिहारा, गौड़ा, वर्धना या चोल। सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बाकी लोग का। हाजी ईशा, गुड इवनिंग। फटाफट से दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्धना डायनेस्टी। क्या होगा दोस्तों, वर्धना डायनेस्टी। आपको पता है इसके फेमस किंग एक थे, वो कौन थे, हर्षवर्धना। कौन थे दोस्तों, हर्षवर्धना, ठीक है। हर्षवर्धना के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, कौन सी लिखी गई थी, हर्षचरिता। क्या लिखी गई थी दोस्तों, हर्षचरिता। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने दोस्तों, बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष यहाँ पे बताइए, हर्षवर्धन के समय में कौन यहाँ पर आया था, कौन सा ट्रेवलर हर्षवर्धन के समय में आया था, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे ह्यून सांग कह रहे हैं, बाकी लोग का क्या कहना है। अच्छा, ह्यून सांग, ह्यून सांग, ठीक है भैया। तो यहाँ पे कौन आया था दोस्तों, ह्यून सांग आया था इनके समय में। अब आप बताइए फाहेन किसके समय में आया था दोस्तों, फाहेन जल्दी से। और मेगेस्थनीज तो चंद्रगुप्त के समय में थे भैया, कौन, मेगेस्थनीज, ठीक है। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। फाहेन के समय, किसके समय में, चंद्रगुप्त टू, वेरी गुड, सीजी टू, ठीक है, चंद्रगुप्त टू। भैया ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर विच अफेक्ट्स एग्रीकल्चर इन इंडिया इज। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी या रेनफॉल। जल्दी से बताएंगे कि भारत में जो खेती की जाती है वो किससे प्रभावित होती है। कुछ लोग कह रहे सर टेम्परेचर, कुछ लोग कह रहे सर रेनफॉल। भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है कि किसका इंतजार किया जाता है, बारिश का इंतजार किया जाता है, वर्षा का इंतजार किया जाता है। किसका, वर्षा का, कि भैया बारिश होगी फिर हम खेती करेंगे। टेम्परेचर कितना भी हो खेती तो होती ही है, ह्यूमिडिटी हो चाहे एयर क्वालिटी हो, ठीक है। तो रेनफॉल जो है वो इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। इल्तुतमिश किस वंश से का राजा था, लोदी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। हाँ जी, यहां पे बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा भैया बी ऑप्शन, स्लेव डायनेस्टी। भैया स्लेव डायनेस्टी ने अपना परचम कब लहराया था, आपको पता होगा मोहम्मद गौरी हारा था, ठीक है। मोहम्मद गौरी को कौन देके चला गया था, जल्दी से बताइए। मोहम्मद गौरी आया और फिर किसको छोड़ के चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया था, तभी तो उसने स्लेव डायनेस्टी बनाई थी। कब बनाई थी दोस्तों, 1200, जल्दी से बताइए 1200 कब बनाई थी, वेरी गुड, 6 में, बहुत बढ़िया, 1206 में बनाई थी, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फॉर्म किया, क्या दोस्तों, ममलूक डायनेस्टी। इसको कहा जाता है ममलूक, स्लेव या फिर गुलाम, तीनों चीज कहा जाता है भैया, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। इल्तुतमिश भैया किसके पिता थे, रजिया सुल्तान के, किसके, रजिया सुल्तान के। आपको पता है रजिया सुल्तान एकमात्र फर्स्ट वुमेन, जो कि फर्स्ट और लास्ट कहूंगा, इसके बाद तो कोई बनी भी नहीं, जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था, क्या ग्रुप बनाया था भैया, चहलगानी ग्रुप, कौन सा दोस्तों, चहलगानी। अभी चहलगानी ग्रुप होता क्या था भैया, 40 पीपल का एक ग्रुप था जो कि चीजों को क्या करता था, मैनेज करता था। इल्तुतमिश ने भैया भारत को बताया था 1221 में, किससे बताया था, चंगेज खान। भैया चंगेज खान कौन था, चंगेज खान एक मंगोल था, कौन था, मंगोलियन था, जो कि क्या कर रहा था, सब चीज तबाही पे मचा रहा था, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, किसने किया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं दोस्तों,
स्टार्ट तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1199 में। कब किया था? 1199 में। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पपेट्री डे 2022? विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या है? द प्लेनेट, एक्वेटिक लाइफ एंड मैरीन वर्ल्ड, द सन, द सी। हाजी दीप्ति, प्रसन्नजीत बहुत बढ़िया, एबीआर गेमिंग बहुत बढ़िया, अनिरुद्ध टोटन, ओके भाई कैसे कैसे टफ टफ नाम लेके आते हो आप लोग, है ना। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहे हैं, वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट है आप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, द सी इज द करेक्ट आंसर। अब भैया ये पपेट्री डे मनाया कब जाता है, जल्दी से बताइए ये पपेट्री डे मनाया कब जाता है, फटाफट से देखते हैं किसको पता है भैया। वर्ल्ड पपेट्री डे कब मनाया जाता है? हाँ, द सी इज द थीम, सी यहाँ पे थीम है। वेरी गुड संगीता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा है दोस्तों, 21 मार्च, याद कर लीजिए दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पपेट्री डे। 22 मार्च को आपको पता है क्या मनाया जाता है दोस्तों? वाटर डे। क्या दोस्तों? वाटर डे, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़े 8 मार्च को, हाँ 8 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट भैया, वुमेन्स डे। क्या? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, IWD शॉर्ट फॉर्म, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परिकुड आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? परिकुद द्वीप भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ओडिशा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में? जल्दी से बताएंगे दोस्तों कि जो अपना परिकुद आइलैंड है ये कहां पर मौजूद है। उड़ीसा कह रहे हैं संगीता, बाकी लोग का क्या कहना है? ओके सब लोग उड़ीसा के साथ जा रहे हैं, ठीक है भैया उड़ीसा के साथ जा रहे हैं तो हम भी उड़ीसा के साथ ही चलते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा होगा, ठीक है। अब ये परिकुद डैम, भैया सॉरी डैम बोल रहा हूँ, आइलैंड ये है किस पर दोस्तों? आपको पता है चिल्का लेक, सुना ही होगा आपने नाम तो। अब ये राहुल या राज नाम तो है नहीं कि सुना होगा, नाम सुनना पड़ता है मतलब पढ़ना पड़ता है। तो चिल्का लेक कहाँ पे? उड़ीसा में है। ये कैसा है? सॉल्ट वाटर लेक। कैसा दोस्तों? सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। इसको बैराकिश लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैराकिश लेक भी कहा जाता है, ठीक है। अब यही जो आपका परिकुड आइलैंड है ये चिल्का लेक पे ही है। कहां पे दोस्तों? चिल्का लेक पे ही है, ये याद रखेंगे। दूसरा अगर मैं सॉल्ट वाटर लेक की बात करूं तो इडली डोसा सांबर, मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों? सांबर, इडली डोसा तो मजाक वाली बात है, सांबर लेकिन लेक है। कहां पर है? राजस्थान में। ये भी कैसा है? सॉल्टीएस्ट लेक है। कैसा दोस्तों? कैसा है? सॉल्टीएस्ट लेक है कि नहीं है। अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करूं, फ्रेश वाटर लेक इंडिया में, तो आपको क्या कहना है? वुलर लेक। क्या दोस्तों? वुलर लेक कहना है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड में फ्रेश वाटर लेक कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, वेरी गुड, वुलर लेक, वुलर लेक, वेरी गुड एम, बहुत बढ़िया। यहां पे होगा लेक सुपीरियर। क्या होगा दोस्तों? लेक सुपीरियर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लेता डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक, जल्दी से बताइए क्या होगा? लेक बैकाल होगा कि नहीं, प्लीज मुझे कंफर्म करिए, कहीं गलत तो नहीं बता दिया मैंने आपको। डीपेस्ट लेक कौन सा होगा? ओए होए होए, क्या बात है भाई, आज तो सारे मिस्टर खिलाड़ी, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा दोस्तों? जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डिफीट ऑफ विच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? अर्यांका डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी या चंदेला डायनेस्टी? भाई यहाँ पे बोल रहे सर नंदा नंदा नंदा, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नंदा डायनेस्टी होगा। आपको पता भैया मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ बात की गई है, तो इसको फाउंड किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। किसकी हेल्प से? भैया कौटिल्य की। अब ये कौटिल्य कौन है सर? हम तो नाम नहीं सुने, कोई बात नहीं। चाणक्य सुना है दोस्तों? बोले नहीं सर ये भी नहीं सुना, ठीक है कोई बात नहीं। विष्णुगुप्त सुना है दोस्तों? बोले सर ये भी नहीं सुना है। तो अब भैया मैं और कहां से नाम लाऊं? मशियावेली तो सुना ही होगा, ठीक है। तो मशियावेली, इनके भैया इतने सारे नाम थे याद रख लो, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, मशियावेली, इनके हेल्प से इन्होंने नंद डायनेस्टी के जो आखिरी किंग थे धनानंद, कौन दोस्तों? धनानंद, याद रखिएगा, धनानंद को हरा दिया था।
लेकिन फाउंडर कौन था दोस्तों नंदा डायनेस्टी का? महापद्मनंदा। कौन था दोस्तों? महापद्मनंदा इसके कौन थे? फाउंडर थे। ठीक है, अब भैया चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, पुत्र कौन था? बिंदुसार। कौन था दोस्तों? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है दोस्तों, ये बिंदुसार है। बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक का पुत्र भैया कौन था? महेंद्र। ठीक है, महेंद्र, और बेटी संगमित्रा। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who among the following has been appointed as the new chief secretary of Haryana 2022? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केशनी आनंद, संजीव कौशल, विजय वर्धन और राजीव अरोरा। जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे केशनी आनंद के साथ जा रहे हैं भाई। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? संजीव कौशल। क्या होगा? संजीव कौशल। कौन है दोस्तों? संजीव कौशल, बी ऑप्शन। दिव्या ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, अभिषेक ने, तानिया ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने, विच फोर्ट इज नोन एज हनुमानगढ़ का किला? किस किले को हनुमानगढ़ का किला कहा जाता है? भटनेर किले को, जूनागढ़ किला को, जबालीपुर या फिर लोहागढ़? फटाफट से बताएंगे दोस्तों। हाँ जी महेश, आपको भी गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़ जाइए और यहां पर योद्धाओं के साथ युद्ध को लग जाइए जल्दी से। यहां पे आ रहा है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? भटनेर। अब भटनेर है कहाँ पे? बड़ा अजीब सा नाम है। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्ट कहाँ पे मिलेंगे? आपको राजस्थान में। तो भैया ये राजस्थान का ही है। अब राजस्थान में इतने सारे फोर्ट है, तो चलिए आपको यहाँ पे राजस्थान के शहर पे लेके चलते हैं। जयपुर में ही बात कर लीजिए, जयपुर में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? नाहरगढ़। क्या मिलेगा दोस्तों? नाहरगढ़ मिलेगा। और दोस्तों क्या मिलेगा? सर आमेर फोर्ट भी मिलेगा। ठीक है भैया, आमेर फोर्ट भी लिख देते हैं। और कुछ मिलेगा? जी सर, हवा महल भी तो है। चलिए हवा महल भी लिख दिए। ठीक है, और सर ठीक है, यहाँ पे जंतर मंतर भी तो है। चलिए जंतर मंतर भी लिख दिए। और कुछ छूट रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जयगढ़ भी छूट रहा है। ओके, जयगढ़ भी लिख दीजिए। चलिए जयगढ़ भी लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या बोली जाती है? पिंक सिटी। क्या बोली जाती है जयपुर को? पिंक सिटी। उदयपुर को, उदयपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? लेक सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिटी ऑफ लेक या लेक सिटी। ठीक है, वैसे सिटी ऑफ लेक ही याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि लेक सिटी जो है वो किसको कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं जोधपुर को, जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सन सिटी। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? ये आपको सबको बताना है, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। अमृतसर नहीं दोस्तों, वेरी गुड। जैसलमेर को देखो, वो गोल्डन गोल्डन टेम्पल है वहां पे, लेकिन गोल्डन सिटी आपको यहाँ पे जैसलमेर को कहा जाता है। किसको? जैसलमेर को। क्यों कहा जाता है भैया? जैसलमेर में रेत ही रेत है, जब धूप पड़ती है तो चमकती है, तो ऐसा लगता है कि मानो सोना ही सोना फैला हो, है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी देयर इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 40, 60, 30 और 20। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहां पे जल्दी जल्दी से, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे। हम यहां पर 140 लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 50, ऐसा क्यों? अच्छा यहाँ पे 40 और 60 बोल रहे हैं दोस्तों, कई लोग 40 बोल रहे हैं, कई लोग 60 बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे 60 होगा। क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको क्या कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। जिस तरीके से आपको पता है सेंट्रल में क्या होती है? दो होती है हाउसेज। कौन सी होती है? तो आपकी राज्यसभा जिसको कहा जाता है अपर हाउस, एक होता है लोकसभा, ठीक है, जिसको कहा जाता है लोअर हाउस। इन दो हाउस होने की वजह से हम क्या कहते हैं? हमारे पास बाइकैमरलिज्म है। क्या दोस्तों? द्विसदनी, बाइकैमरलिज्म, इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसी तरीके से स्टेट में जो लोअर हाउस होता है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होता है हम उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां पर ये चीज याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने होंगे दोस्तों? मैक्सिमम 500, इससे ऊपर नहीं। लेकिन
कुछ स्टेट को यहाँ पे क्या दी गई है, रियायत दी गई है, मतलब वो 60 से नीचे भी रह सकते हैं, जैसे गोवा, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, ऐसे स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये एक्सेप्शन है भैया, कुछ स्टेट को यहाँ पर रियायत दी गई है जहां कम हो सकते हैं 60 से। आगे बढ़े, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who has been appointed as the next Director General of the International Labour Organization in March 2022? March 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगो, कनाया, फिर कंग, फिर मुरील, बताइए। ओए होए होए, क्या बात है भाई, यहाँ पे मतलब ऑप्शन दो, बच्चे यहाँ पे सब आंसर कर देते, मतलब सारे दोस्त यहाँ पे तैयार होके आए हैं। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, गिलबर्ट, क्या होगा, गिलबर्ट होंगबो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आईएलओ की बात की जा रही है दोस्तों, तो आईएलओ को कब किया गया था एस्टेब्लिश, 1919 में किया गया था कि नहीं किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, जल्दी से बताइए, मैं शायद गलत आपको बता दूं इसलिए आप प्लीज चेक करिए, जिनेवा में है कि नहीं, जल्दी से बताइए जिनेवा में है कि नहीं हेडक्वार्टर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आईएलओ 1919, ठीक है, जिनेवा में, अच्छा मतलब मैं सही बता रहा हूँ, ओके ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ऑन 8 फरवरी 2022, निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है? एस किशोर, आनंद पांडे, अतुल सिंह, कृपा शंकर। ओए होए होए, कैसा क्वेश्चन आ गया भैया, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का चेयरमैन ही हमें नहीं पता है, चेंज हो गया है, अब बताइए कौन है इसमें से। ओए होए होए, क्या बात है, लग गया भाई कि नहीं, इस भैया सर सबको पता है, एस किशोर एस किशोर एस किशोर, तो याद रखिए क्या है दोस्तों, एस किशोर यहाँ पर है, यहाँ पर यही अभी कौन है, चेयरमैन है, ये याद रखेंगे। इससे पहले कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए, इससे पहले कौन था, जल्दी बताएंगे इनसे पहले। हाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, कृष्णा, राहुल, पंकज, जोशी कह रहे हैं, ठीक है भाई, और उससे पहले खुराना जी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर द फाइनेंस कमीशन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग प्रावधान है? आर्टिकल 280, 279 और 283 और 240, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 280, तो भैया बिल्कुल 280 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंस कमीशन पूछा गया है यहाँ पे। अगर आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछता, क्या पूछता, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब आपको बताना रहेगा क्या दोस्तों, 360, आर्टिकल 360, बताइए भारत में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, जल्दी से बताएंगे भारत में। हाँ जी, अभी आप याद रख लीजिए, अभी के फाइनेंस कमीशन एनके सिंह है, जो कि 15वें फाइनेंस कमीशन है, 14वें कौन थे दोस्तों, वाई वी रेड्डी, ठीक है, जल्दी से बताइए, दो बार लग चुकी है भाई, दो बार कहाँ लगी यार, दो बार बिल्कुल नहीं लगी, एक बार भी नहीं लगा अभी, ठीक है, ये अच्छी बात है, अपने यहां नहीं लग रही है। श्रीलंका में आप देख रहे हो भैया कैसी क्राइसिस आ गई है, इमरजेंसी लग रखी है, ठीक है, इमरजेंसी को कहां से लिया गया था भैया, जल्दी से बताएंगे, जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये किस कंट्री से लिया गया है, फटाफट से, जल्दी से बताइए, इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है, फिर गलत कर दिया ना, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, जर्मनी में दिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, इमरजेंसी कहां से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। हाँ आर्टिकल कौन से हमें यहाँ पे याद रखिएगा, ये इमरजेंसी 352, 356, 360 और 365, जो कि स्टेट बोलता है स्टेट में इमरजेंसी है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिलीज इन अगस्त 2021,
देख लो भैया अभी किसकी 2020 की रैंक निकाली गई है अगस्त 2021 में, उसको क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पुराने पूछे जा रहे हैं। 109, 118, 122, 145। एक सौ नौ नहीं है दोस्तों, 109 नहीं है। यहाँ पे प्रिंस बोले सर 122, जीवी कह रहे सर 122, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 122। क्या दोस्तों, 122 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, भाग्यश्री थिप्से, एस विजय लक्ष्मी, स्वाति घाटे या फिर जी एम हम्पी कनेरी। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सर बोल रहे हैं सर विजय लक्ष्मी होना चाहिए, बाकी लोग का क्या कहना है, ऑप्शन नंबर बी भी कोई तो गलत दो भाई, क्या बात है, सही सही बताइएगा किस चक्की का आटा खाते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू ही है, ठीक है। और भैया आपने, हाँ एक बड़ा अच्छा चेस प्लेयर है, कौन भैया जल्दी से बताएंगे क्या है नाम, बहुत अच्छा चेस प्लेयर, विश्वनाथ आनंद। अच्छा खाना ही नहीं खाते भाई, पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, खाना खाया करो। कौन थे दोस्तों, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, निम्न में से किस बायोम को दुनिया की ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, टाइगा, मेडिटेरियन या ट्रॉपिकल सवाना। हाँ जी जल्दी से बताएंगे, सी ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे सर डी ऑप्शन, फटाफट से यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। क्या दोस्तों, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, ठीक है। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज मोस्टली फाउंड इन द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ज्यादातर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, धारवार रॉक, विंध्यन रॉक, टर्शरी रॉक या क्वार्टरनरी रॉक। फटाफट से, और दोस्तों सभी से यहाँ पे निवेदन है, गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे। टू ऑप्शन, टू ऑप्शन भैया, विंध्यन रॉक कैसे हो सकता है दोस्तों, विंध्यन रॉक आपको बिहार में कहां से मिल जाएगा, ये तो सेंट्रल इंडिया में है। करेक्ट आंसर है धारवार रॉक। क्या दोस्तों, धारवार रॉक करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। विंध्यन रेक नहीं होगा, अभिषेक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दीदारा ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डेविड वार्क ग्रिफिथ, पीरे फॉजेट, हेनरिक एंटोन दे ब्रेरी या नन ऑफ दीस। अब यहां पे समझना होगा माइकोलॉजी होता क्या है सर, भैया माइकोलॉजी सही सही बताइए, गलत तो नहीं हो रहा, देखिए फंगी की स्टडी को, फंगस की स्टडी को कहते हैं हम लोग दोस्तों, जल्दी से बताइए माइकोलॉजी कहते हैं कि नहीं, सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ओके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो भी सी ऑप्शन जा रहे हैं। तो भैया माइकोलॉजी तो ये हो गया, एल्गी की क्या बोला जाता है दोस्तों, एल्गी की स्टडी को जल्दी से बताइए। हाँ जी स्टडी ऑफ फंगस, फंगस बहुत बढ़िया, एंटोन दे बेरी फादर ऑफ माइकोलॉजी, जल्दी से बताएंगे यहां पे बताइए, सभी लोग गलत दे दो, सब लोग कुछ भी आंसर फेंक दो, फेकोलॉजी आप लोग बोल दो, है ना, सारे आंसर सबने अपने फेंक दिए, तो करेक्ट आंसर भैया फेकोलॉजी, इसलिए कह रहे हैं फेको, ठीक है क्या दोस्तों, फेकोलॉजी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है, सोनाली सिंह, आकांक्षा राजपूत, साक्षी गर्ग या शेफाली गुप्ता। फटाफट से आंसर देंगे, सोनाली 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 भैया, कुछ और भी नाम बता दीजिए। अच्छा सब लोग सोनाली के साथ जा रहे हैं, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सोनाली सिंह करेक्ट होगा, क्या होगा, सोनाली सिंह इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू होस्ट द G20 समिट
इन 2023 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? इटली, इंडोनेशिया, इंडिया या ब्राजील? जल्दी से बताएंगे, इंडिया इंडिया। ओए होए होए, क्या बात है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिया करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु एबोलिश्ड जजिया टैक्स? जजिया कर को किसने समाप्त किया था, कर दिया था? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? देखिए, कई बार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है कहां पे, मुगल एम्परर में, तो हमने कैसे याद किया था दोस्तों? कौन सा? भाजसा, ठीक है। अब बी से क्या था दोस्तों? बाबर, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर होगा। लेकिन जजिया सिस्टम वापस से किसने लाया था? यही ऑप्शन है आपके पास। अब बताइए वापस कौन लाया था? अकबर ने तो भैया इसको क्या किया था, हटा दिया था, एबोलिश कर दिया था, लेकिन वापस कौन लाया? ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, अच्छा लग रहा है देख के। राजेश, बहुत बढ़िया। राकेश, अच्छा राजेश और राकेश दोनों एक साथ आंसर दे रहे हैं, ठीक है। संगीता, बहुत बढ़िया। औरंगजेब ने वापस लाया था भैया, औरंगजेब कैसा आदमी, जिंदा पीर, कौन सा दोस्तों? जिंदा पीर, ठीक है, जिंदा पीर आदमी था, ठीक है, याद रखेंगे, जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने, Who has been appointed as the new CEO of National E-Governance Division in February 2022? फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, उदित सिंघल या अरुण गोयल? जल्दी से बताएंगे, अभिषेक, अरे मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसमें से, अभिषेक आंसर दे रहे हैं लोग, अभिषेक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भैया क्या है? अभिषेक, क्या है? अभिषेक सिंह, ठीक है, अभिषेक सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय क्या है? टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट, फेयर डिजिटल फाइनेंस या द सस्टेनेबल कंज्यूमर? जल्दी से बताएंगे, यहां पे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थ्री, फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। अब आपको बताना है कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, होमवर्क नंबर वन, होमवर्क नंबर वन, कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। हाँ जी, क्लास हो जाएगी, इसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हाँ, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सब लोग आंसर दे रहे हैं, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, है ना, चलिए सही दे रहे हैं। अगला प्रश्न आप सामने ये रहा, विच वॉज द सेकेंड डायनेस्टी टू रूल ओवर द मगध एम्पायर? मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन सा था? हरियंका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी? यहां पे आ रहे हैं सी ऑप्शन, बाकी लोग का क्या कहना है भैया? ओके, शिशुनाग, 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 तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्यों? आपको पता है हरियंका डायनेस्टी सबसे पहले कौन आया? हरियंका डायनेस्टी, फिर दूसरे नंबर पे शिशुनागा, कौन दोस्तों? शिशुनागा, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे नंदा, ठीक है, नंदा डायनेस्टी, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, फिर उसके बाद सुंगा डायनेस्टी, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, नाग दशक और आके, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने ये रहा, प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल? संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 331, 221, 121 और 139। राकेश, वो घनानंद नहीं था दोस्तों, धनानंद, धनानंद, धा, धा फॉर धन, धनानंद,
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया 331। आपको यहाँ पे लोकसभा की बात की जा रही है, लोकसभा कौन से आर्टिकल में दोस्तों, 81 आर्टिकल में है लोकसभा, ठीक है। कितने मेंबर रह सकते हैं, हाईएस्ट मेंबर बताइए 550, सर 552 थे, लेकिन अब वही जो दो अलग से थे एंग्लो इंडियन, उन्हीं को तो हटा दिया गया है ना दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Who among the following invented the printing press? निम्नलिखित में से किन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन, जॉन गुटेनबर्ग, ग्राहम बेल या रिन डेस्कार्ट। हाँ जी, फटाफट से बी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉन गुटेनबर्ग। भैया ये कहाँ का पोर्तुगाल का था, कहाँ का था, पोर्तुगाल का था, ठीक है, याद रखिए। थॉमस एडिसन ने किसकी खोज की, फटाफट से बताइए। ग्राहम बेल को हमने कैसे याद किया था, जब भैया फोन बजती है तो बेल बजती है, तो ग्राहम बेल ने किसका किया, टेलीफोन का, किसका दोस्तों, टेलीफोन का, ठीक है। जल्दी से बताइए थॉमस एडिसन ने, जल्दी से अपने बत्ती जलाइए दिमाग की, बताइए क्या खोज किया था थॉमस एडिसन ने, बत्ती जलाई है किसी ने अभी तक दिमाग की? ओके सर कह रहे, सर आपने आंसर बता दिया, दिमाग की बत्ती, बत्ती मतलब बल्ब, ठीक है भैया, चलिए बल्ब। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज सामने, इन लद्दाख हु लॉन्च द फर्स्ट एवर एफएम रेडियो स्टेशन इन इट्स कैपिटल सिटी लेह इन दिसंबर 2021। लद्दाख में दिसंबर 2021 में अपनी राजधानी लेह में पहला एफएम रेडियो स्टेशन किसने लॉन्च किया, जमांग सेरिंग, नामग्याल, अनुराग ठाकुर, उमंग नारुला या फिर आर के माथुर। फटाफट से बताइए, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, उमंग नरूला करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, उमंग नरूला, आर के माथुर नहीं है दोस्त, उमंग नरूला, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 100 ईयर्स ऑफ द चंपारण सत्याग्रह वॉज कंप्लीटेड, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह 100 वर्ष पूरे किए, 2016, 2017, 2018, 2015 और 2019 और 2022, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बोल रहे सर यहाँ पे मेरे को याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस इतना पता है 1917 में चंपारण हुआ था, 100 साल जोड़ना है तो मैं 1917 से जोड़ देता हूँ भैया, ले लो सर, इतना इजी सा क्वेश्चन आप लेके आए हो। हाँ तो भैया यहाँ पे ले लीजिए भैया क्वेश्चन 2017, ओए होए होए, कैलकुलेशन करके ला रहे हिस्ट्री का क्वेश्चन। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। हाँ जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सबको पता है। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, Who was crowned champion of the 2021 US Open? 2021 US Open champion का ताज किसे मिला था? नोवाक जोकोविक, डेनियल मेंडलीव, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर। हाँ दोस्तों 1917 का ऑप्शन क्यों रहेगा वहां पे? आप ये क्वेश्चन को देखिए, 1917 का ऑप्शन नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, 100 साल ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, तो मतलब 100 साल कब हुए ये पूछा गया था, तो भैया 1917 से 100 साल जोड़ देगा ना, तो ऑप्शन में क्यों देगा 1917, नहीं देगा, दे भी सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग। ए ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं भैया, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बी डेनियल मेंडलीव, क्यों किसकी बात, सॉरी डेनियल मेदवेदेव है, ठीक है, यहाँ पे यूएस ओपन की बात की गई है 2021 की, डेनियल मेदवेदेव है यहाँ पे करेक्ट आंसर, नोवाक नहीं है भैया। आगे बढ़े, 2021 का करंट अफेयर है दोस्त, 2021 का, ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने, Arrange the following dynasties in the correct according to the period of their rule. भैया तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, आपको अरेंज करना है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये समझ में नहीं आ रहा, तुगलक डायनेस्टी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे दिया भैया, बोल्ड कर दिया, बड़ा गलत बात है, सबको बराबर करो। जल्दी से बताएंगे कैसे लोग थे ये दोस्तों, सख्त से लोग थे कि नहीं थे, अपन ने कैसे याद किया था दोस्तों, इन लोग जो भी थे दिल्ली सल्तनत वाले बड़े सख्त से लोग थे, कैसे थे, सख्त से लोग, सख्त में सा से होगा स्लेव डायनेस्टी, के से होगा कौन सा, खिलजी, टी से क्या होगा, तुगलक, से सैयद और एल से लोधी। तो भैया यहां से देखो स्लेव दिया है, नहीं दिया है, दूसरा खिलजी होना चाहिए, खिलजी कहां पे चौथा है, तो चौथा कहां पे आगे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी में नहीं है तो हटाओ, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, एलिमिनेशन, है ना जी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं? आर्टिकल 108, 109, 112, 132। बोले सर 108, 108 आपने बताया था सर, सबका साथ 108, मतलब सबके साथ बैठना है, तो 108 करेक्ट आंसर होगा। ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बुलाते हैं लेकिन प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। क्या करते भैया? लोकसभा के स्पीकर। अब भैया लोकसभा के स्पीकर के पास ना एक बढ़िया पावर है, बहुत बढ़िया पावर है, जो शायद राज्यसभा के पास नहीं ही होगा। बताइए लोकसभा के स्पीकर के पास ऐसी कौन सी पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं है? और यहाँ लोकसभा का स्पीकर मैं बता दूं, स्पीकर जो है वो कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 93 में। कहां पे दोस्तों? आर्टिकल 93 में मेंशन है डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर। हाँ जी, कास्टिंग वोट भी है और दूसरा कौन सा है? मनी बिल। क्या दोस्तों? मनी बिल, याद रखिएगा मनी बिल। ठीक है भैया, यही डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? पतंजलि, सुश्रुता, नागार्जुना या चरक? यहां पे पतंजलि बोल रहे हैं आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक के दोस्तों। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? चरक होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। नहीं, पतंजलि ने क्या लाया था भैया? योग सूत्र। क्या दोस्तों? योग धर्मा या फिर योग सूत्र हम कह सकते हैं। ठीक है, सुश्रुता भैया मेडिसिनल, फादर ऑफ मेडिसिनल कहा जाते थे गोल्डन पीरियड के समय में, गुप्ता पीरियड के समय में। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डॉटर ऑफ अशोका। निम्न में से कौन अशोक की पुत्री थी? संगमित्रा, पार्वती, संभवी या नन ऑफ द अबव। दोस्तों सभी से यहाँ पे गुजारिश है, एक बार फटाफट से क्या करना है? शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अभी हम यहाँ पर 145 लोग लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 103, इसको बराबर कर लेते हैं। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, तो भैया करेक्ट आंसर होगा संगमित्रा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी हम लोग ने थ्योरी पढ़ते पढ़ते कुछ फैक्ट देख लिए थे, वो फैक्ट में क्या था कि भैया इनका जो पुत्र था वो तो महेंद्र था, कौन? महेंद्र, और पुत्री जो थी वो थी संगमित्रा। ठीक है, कौन दोस्तों? संगमित्रा। और इनको कहां भेजा गया था? इन दोनों को भेजा गया था श्रीलंका में। कहां पे दोस्तों? श्रीलंका में। क्यों भेजा गया था? बुद्ध प्रचार के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। और श्रीलंका पहला ऐसा देश बना था दोस्तों, श्रीलंका पहला ऐसा देश था जहां पे बुद्धिज्म एडवर्टाइज हुई थी। ठीक है, बुद्धिज्म को एडवर्टाइज किया गया। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वॉट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2022। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? लर्निंग फॉर द पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इंडिजीनियस पीपल राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन अ की ड्राइवर फॉर इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। ओए भाई, यहाँ पे तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, टू के साथ। वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टू। क्या होगा? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है तान्या जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट इन केरला, इन केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1905, 1921, 1928, 1933। कह रहे हैं, बाकी लोग का क्या कहना है भैया? ठीक है भैया, लॉक कर दिया जाए, तो 1921 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर ओरिजिन। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कहां से निकलती है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, द कृष्णा, चेम्यूंग दोंग, महाबलेश्वर, गंगोत्री, त्रिम्बकेश्वर। भैया यहाँ पे तो अपन कितनी बार किए कि ओरिजिन, ये तो गलत भी नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन मार दो, मार दो एलिमिनेशन, आग लगा दो ऑप्शन में, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे भैया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो भैया देखिए, गंगा नदी की बात कर लें तो गंगा नदी कहां निकलती? गंगोत्री। तो फर्स्ट का सी होना चाहिए, फर्स्ट का सी बहुत बहुत होशियार है ऑप्शन वाला, फर्स्ट का सी ही रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र, छेमा युंगदुंग। ठीक है, छेमा युंगदुंग। ठीक है, टू का ए,
भैया ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर भैया थ्री का गोदावरी, गोदावरी कहां से निकलती है? त्रिंबकेश्वर। तो थ्री का डी, तो थ्री का डी कहां है? ऑप्शन नंबर वन में है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा, है ना। बहुत होशियार था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम। ओए, क्या बात है सर, ये तो भैया हमको पता है भैया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। लेकिन फॉरेस्ट डेंसिटी के हिसाब से कौन है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। और वो राज्य लगभग 80-87% भैया डेंस है। मिजोरम, एमपी नहीं है। हाँ, एरिया वाइज एमपी, डेंसिटी वाइज मिजोरम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मशक इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में मशक का क्या अर्थ था? कॉपर कॉइन ऑफ मौर्यंस, गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता, कॉपर कॉइन ऑफ कुशान या सिल्वर कॉइन ऑफ हर्षा। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। हाँ, मिजोरम करेक्ट है पिछले आंसर का। अब यहां पे बताना है, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं साक्षी, बाकी लोग किसके साथ जा रहे हैं? तो जी यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा, वेरी गुड दीपक, यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, कॉपर कॉइन ऑफ मौर्यंस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज मिसमैच? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बेजोड़ है, मतलब सही मैच नहीं है? आर्टिकल 21 से एट द राइट ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ माइनोरिटीज, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से मिसमैच पूछा है दोस्तों, मिसमैच, और मेरे को लगता है सारे के सारे करेक्ट मैच है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सामने ये रहा, इन विच सिटी ताज महोत्सव, अ डे 10-day फेस्टिवल ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर वॉज इनोग्रेटेड ऑन 20 मार्च 2022? 20 मार्च 2022 को किस शहर के में कला, शिल्प और संस्कृति के 10-दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन किया? अलीगढ़, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भैया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आगरा, ताज से ही समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रॉट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी, तुझके जहांगीरी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी थी? अब भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या किया है, एक तो ऑटोबायोग्राफी भी है जो खुद लिखा हो, और तुझके जहांगीरी भी लिख रहा है, मतलब जहांगीर ही लिखा होगा ना अपने बारे में। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, Which of the following articles of the Constitution describe about the vote on account? संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लेखानुदान के बारे में वर्णन करता है? आर्टिकल 112, 116, 120 और 122। एक सौ सोलह आ रहा है यहाँ पे, और करेक्ट आंसर यहाँ पे 116 होगा। 112 पे तो मत बोलिएगा दोस्तों, 112 में तो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं ना, तो ये याद रखिएगा 112 में तो ये मेंशन है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ साउथ ऑफ कॉरिडोर? निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, कोटा और कानपुर। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, कानपुर। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आगरा। क्या है दोस्तों? आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कानपुर नहीं है दोस्तों, आगरा करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, टू विच गॉड इज द छठ हिंदू फेस्टिवल ऑफ बिहार डेडिकेटेड टू? बिहार का हिंदू त्योहार छठ पूजा किस ईश्वर के समर्पित है? सूर्य, चंद्रा, अग्नि या गंगा? यहाँ पे सन गंगा नदी तो कोई नहीं कह रहा ना भाई, ठीक है, नहीं तो बोले वहां पे नहाते हैं तो सर गंगा ही होगा। तो भैया सूर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर। किसका दोस्तों? सूर्य। ठीक है, आगे बढ़े। ओ हो, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने किए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीजीएल, और जी हाँ ये सीएचएसएल में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया सीजीएल है तो सीजीएल में ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीजीएल के किए हैं और
पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मास्टर क्लास में जो कि हर रोज होती है, कहाँ पे दोस्तों 3:30 बजे होती है ऐप पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। तो मास्टर क्लास में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आपको कहाँ पे जुड़ना होगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम क्या है दोस्तों, सर्च करना है आपको दोस्तों गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। क्या करना है दोस्तों, गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक सर्च करिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, नहीं करी जाएंगी तो क्या करना है, एफआईआर। हाँ, एफआईआर करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ दोस्तों, लिंक दे देता हूँ जिससे आपको परेशान ना होना पड़े, और लाइव चैट पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। ठीक है, यहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा। आपका दोस्त गौरव आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।